चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। वहीं 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द कर दिया जाएगा। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग कलम देगा। वहीं इस दौरान राजनीतिक दल कोई भी व्हिप नहीं जारी कर सकते। संसद और विधानसभाओं में वोटिंग होगी। राज्यसभा के महासचिव चुनाव के प्रभारी होंगे। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। राष्ट्रपति चुनने के लिए आम लोगों की वोटिंग नहीं होती। इसके लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।